प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव मतदान की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से 2-2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत चुनाव मैदान में हैं। मतदान तारीख की घोषणा के बाद मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मुलाकात की, तो वहीं पर चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस जल्द ही राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक बुलाने वाली है। पहले 26 मार्च को राज्यसभा का मतदान होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये चुनाव स्थगित हो गए। इसके लिए भी कांग्रेस की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। अब माना यह जा रहा है कि मॉकपॉल के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला का इस पर कहना है कि बीजेपी की तरफ सिद्धांतों की पाला एक तरफ करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। कल्ला ने कहा कि कांग्रेस के पास 2 सीटों के लिए बहुमत है, जबकि बीजेपी के पास 1 सीट का ही बहुमत है, फिर भी बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। कल्ला ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक सिद्धांतों के पक्के हैं और पार्टी को किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं है। ऐसा है कि मॉक पोलिंग के लिए ज़रूर हम लोग इकट्ठे होते हैं, वो होना भी चाहिए, ताकि कई लोग पहली बार वोट का प्रयोग करेंगे। और ये प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है, वोट में 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस लिखनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मॉक पोलिंग के लिए रिहर्सल वगैरह तो होती रही है। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी तो हमारे चीफ व्हिप महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है। 101 सीटें तो हमारी खुद की है, और उसके बाद हमारे को निर्दलीयों का और बसपा से जो हमारे साथ कांग्रेस में मिल गए हैं उन लोगों को मिलाकर 2 हमारे पास कम्युनिस्ट साथी हैं, पूर्ण बहुमत है, और 2 कांग्रेस के निश्चित रूप से राज्यसभा के मेम्बर बनेंगे, ऐसी मुझे आशा।